नमो नमः। मम नाम संजीता व एलटीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 8 के पंचदश पाठ का प्रकरण में मीनस्य वैशिष्ट्यम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचदश संस्कृत में गिनती है, पंच मीन्स पांच, दस मीन्स दस, मतलब 15वां पाठ है मीनस्य वैशिष्ट्यम। मीनस्य मतलब षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, इसका चिन्ह आप सभी जानते हैं, का के की रा रे री, ठीक है। तो मीनस्य मतलब मछली की वैशिष्ट्यम, विशेषता, मछली की विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। किं भवन्तः जानन्ति मीनस्य विशिष्टं परिचयम्। किं मीन्स होता है क्या, भवन्तः आप सब लोग, जानन्ति जानते हैं, मछली की विशिष्ट परिचय के बारे में। किं भवन्तः जानन्ति मीनस्य विशिष्टं परिचयम्, क्या आप सब लोग मछली का विशिष्ट परिचय के बारे में जानते हैं। आगच्छन्तु, आओ, मीनस्य किं वैशिष्ट्यम् अस्मि विषये विचारं कुर्मन्। आओ, मछली की क्या विशेषता है इस विषय में हम लोग विचार करते हैं। कुर्मा मतलब करते हैं। संसारे मीनः एकः तादृशः जीवः अस्ति। संसार में मीन मीन्स मछली, मछली एक ऐसा, तादृशः मीन्स होता है ऐसा, ऐसा जीव है। यह शयन समय अपि नयन पिधानम न करोति। नयन पिधानम मतलब होता है आंख बंद। यह मीन्स होता है जो, शयन समय सोने के समय, अपि मीन्स भी, न नहीं, करोति करती है। संसारे मीनम एक तादृशः जीवः अस्ति। संसार में मछली एक ऐसा जीव है जो सोने के समय भी आंख बंद नहीं करती है। तस्य कारणम किम्, तस्य मीन्स उसका कारण क्या है। अस्य कारणम अस्ति, इसका कारण है। यत् मीनस्य नयने तु भवतः किन्तु पच्म न भवति, इसका कारण है। यत् मीन्स की, मीनस्य मछली के, नयने मतलब द्विवचन है, नयन एक वचन, नयने द्विवचन, की मछली की दोनों आंखें तो होती हैं, किंतु पक्ष मीन्स होता है पलक, किंतु पलक नहीं होते। इसका कारण है कि मछली की दोनों आंखें होती हैं लेकिन पलक नहीं होता। अतः यदा स्वपिति, अतः यदा मीन्स जब, स्वपिति मीन्स होता है सोता है या सोती है। अतः जब सोती है तदा, तब अपि नयने उद्घटिते तिष्ठतः, तब भी आंखें खुली रहती हैं। आगे समझ में, अतः जब भी सोती है तब उसकी आंखें खुली रहती हैं। मीनस्य इतो अपि एकम अंगम करणः न भवति, मछली के इतो अपि मतलब और भी एक अंग, कर्ण मीन्स कान, नहीं होता है, भवत मीन्स होता है। मीनस्य इतो अपि एकम अंगम करणः न भवति, मछली के एक और भी अंग, कान, नहीं होता है। यद्यपि तस्य शिरसि एव किमपि तांत्रिकं यंत्रं भवति यस्य सहायेन सह श्रोतुं शक्तः भवति परम अति न्यूनम्। यद्यपि, फिर भी, वह शिरसि मतलब सिर में, फिर भी उसके सिर में कोई ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से वह सुन सकती है, और अति न्यूनम मतलब बहुत कम, बहुत कम, थोड़ी मात्रा में सुन सकती है। फिर से देखिए,
मिनस्य इतो अपि एकम अंगम करणम न भवति। मछली के और भी एक अंग कान नहीं होता है। यद्यपि तस्य शिरसि एव किमपि तांत्रिकम् यंत्रम् भवति। उसके सिर में एक ऐसा यंत्र होता है यस्य सहायेन सह श्रोतुं शक्तः भवति परम अति न्यूनम्, जिसकी सहायता से वह थोड़ा बहुत सुन सकती है। मीने स्पर्शेन अवगमनस्य शक्ति भवति। मछली में स्पर्श से मतलब छूने मात्र से ही समझने की शक्ति होती है। मछली को अगर कोई छूता है तो छूने से ही वह समझ जाती है, समझने की शक्ति होती है कि को अपि मीनम किमपि वस्तु लेस मात्रमपि संस्पृश्य ज्ञातुं शक्नोति किम मित्रम कस्य शत्रु। मछली को छूने से वह थोड़े से स्पर्श से मतलब कोई भी मीना मछली किमपि कोई भी वस्तु लेस मात्र मतलब थोड़े से भी संस्पृश्य स्पर्श से क्या तुम जानना कि मित्रम कश्य शत्रु कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। अर्थ देखिए, कोई भी वस्तु मछली के जरा से छूने मात्र से ही स्पर्श से वह जान जाती है कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका शत्रु है। यदि शत्रु तरही समान शक्ति संपन्ना अथवा शक्तिशाली, यदि शत्रु उसके समान शक्ति संपन्न है मतलब वो जान जाती है कि शत्रु जो है उसके समान शक्ति संपन्न है या उससे भी अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, मीनस्य नासिका अपि न भवति तथापि घ्राणस्य शक्ति भवति। मछली की नाक भी नहीं होती तब भी वह सूंघने की शक्ति उसके अंदर होती है, तब भी सूंघने की शक्ति होती है। घ्राणेन सह शत्रु मित्रयो ज्ञानम करोति। सूंघने से शत्रु और मित्र का ज्ञान करती है। महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है। ठीक है, इसे देखिए, मीनस्य नासिका अपि न भवति। मछली के नाक भी नहीं होती है तथापि तब भी घ्राणस्य मतलब सूंघने की शक्ति सूंघना घ्राणस्य शक्ति भवति सूंघने की शक्ति होती है। घ्राणेन सह शत्रु मित्रयो ज्ञानं करोति। सूंघने से वह मित्र और शत्रु का ज्ञान कर लेती है। महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है। प्रश्न उत्पद्यते यत, प्रश्न उठता है यत मीन्स कि यदि मीनस्य नासिका न भवति तर्हि श्वासं कथं स्वीकरोति। प्रश्न यह उठता है कि यदि मछली के नाक नहीं होती तो वह सांस कैसे लेती है। जले बहवः पदार्था मिश्रिता भवन्ति तेषु प्राणवायु अपि। जल में बहुत सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं, उनमें से प्राणवायु भी होती है। मीनस्य गलः सर्वदा कंपते। मछली का जो गलः मीन्स होता है गलफड़े, गिल्स, मछली के गलफड़े हमेशा कंपित होते रहते हैं, कांपते रहते हैं। तस्य कारणम् अस्ति मीनम् गले जलम् पूर्यति। उसका कारण है मछली के गलफड़े जल से पूरे भरे होते हैं। मीनस्य गले विशिष्टा सिरा भवन्ति। मछली के गले में विशिष्ट सिराएं होती हैं। या भी जले मिश्रितम प्राणवायु मीनः जुषति। जल में से मिश्रित जो प्राणवायु है मछली उसको चूस लेती है। आगे समझ में, एक बार इसके शब्दार्थ को देखिए। भवन्तः मीन्स होता है आप लोग, जानन्ति जानते हैं, वैशिष्ट्यम विशेषता तादृशम इस प्रकार का, पिधानम मीन्स होता है बंद, पक्ष मीन्स होता है पलक, नयने मीन्स आंखें, भवत होते हैं, स्वपिति मीन्स होती है, उद्घटिते
खुली हुई तिष्ठतः रहते हैं कर्णम तान इतोपि और भी अव्यय, और भी क्या है अव्यय है, सिर से सिर में अंतः अंदर, सहायन मतलब सहायता से, अवगमनम मतलब समझना, लेस मात्र मपि मतलब जरा सा भी, संस्पृश्य मतलब छूकर, समान शक्ति संपन्न मतलब बराबर शक्ति से युक्त, और नासिका का अर्थ होता है नाक, घ्राणस्य का अर्थ होता है सूंघने की, महदाश्चर्य महान आश्चर्य, उत्पद्यते मतलब उठता है प्राणवायु ऑक्सीजन, गलह गलफड़, पूर्यति भरता है सिरा सिराएं। इसका शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से इस पाठ को समझाते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। मीनस्य वैशिष्ट्यम मछली की विशेषता, किम भवन्तः जानन्ति मीनस्य विशिष्टम परिचयम, क्या आप सब लोग मछली की विशिष्ट परिचय के बारे में जानते हैं। आगच्छन्तु मीनस्य किम वैशिष्ट्यम अस्मिन् विषये विचारं कुर्मः, आओ मछली की विशेषता के विषय में विचार करते हैं। संसारे मीना एक तादृशः जीवः अस्ति, संसार में मछली एक ऐसा जीव है, यह शयन समये अपि नयन पिधानम न करोति, जो सोते समय भी अपनी आंख बंद नहीं करती। तस्य कारणम किम, इसका कारण क्या है, अस्य कारणम अस्ति, इसका कारण है यत् मीनस्य नयने तु भवतु किन्तु पक्ष्म न भवति, इसका कारण है कि मछली के दोनों आंख तो होती है लेकिन पलक नहीं होती, पलके नहीं होती, अतः यदा स्वपिति, इसलिए जब वह सोती है तदा अपि नयने उद्घटते तिष्ठतः, तभी उसकी आंखें खुली रहती हैं। मीनस्य इतोपि एकम अंगम कर्णः न भवति, मछली के और भी एक अंग कान नहीं होता है, यद्यपि तस्य शिरसि एव किमपि तांत्रिक यंत्रम भवति यस्य सहायेन स श्रोतुं सक्ता भवति परम अति न्यूनम्। इसके बाद भी उसके सिर में एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से वह थोड़ा बहुत सुन सकती है। मीने स्पर्शेन अवगमनस्य शक्ति भवति, मछली स्पर्श से ही, मछली स्पर्श से ही समझने की शक्ति रखती है। कोऽपि मीनः किमपि वस्तु लेशमात्रमपि संस्पृश्य ज्ञातुं शक्नोति किं मित्रं कश्च शत्रु, कोई भी वस्तु मछली को थोड़ा सा भी अगर छू लेती है, स्पर्श कर लेती है, तो वह जान जाती है कि वह उसका शत्रु है या मित्र है। यदि शत्रु तरही समान शक्ति संपन्न अथवा शक्तिशाली, यदि शत्रु उसके समान शक्ति संपन्न का है या शक्तिशाली, यहाँ यदि नहीं होगा, मतलब स्पर्श से ही वह समझ जाती है कि शत्रु उसके समान शक्ति का है या उससे शक्तिशाली है। मीनस्य नासिका अपि न भवति, मछली के नाक भी नहीं होती तथापि घ्राणस्य शक्ति भवति, तब भी वह सूंघने की शक्ति रखती है। घ्राणेन स शत्रु मित्रयो ज्ञानं करोति, सूंघने से वह अपने शत्रु और मित्र का ज्ञान करती है। महदाश्चर्य महान आश्चर्य, प्रश्न उत्पद्यते यत् यदि मीनस्य नासिका न भवति तर्हि श्वासं कथं स्वीकरोति, प्रश्न यह उठता है कि जब मछली के नाक नहीं होती तो वह सांस कैसे लेती है। जले बहवः पदार्थाः मिश्रिता भवन्ति तेषु प्राणवायु अपि, जल में बहुत सारे मिश्रित पदार्थ होते हैं उनमें प्राणवायु भी होती है। मीनस्य गलः सर्वदा कंपते, मछली के गलफड़े हमेशा कांपते रहते हैं। तस्य कारणम अस्ति मीना गले जलम पूयति, इसका कारण है मछली के गले में जल पूरा भरा रहता है। मीनस्य गले विशिष्टा सिरा भवन्ति, मछली के गलफड़े में विशिष्ट सिराएं होती।
याभि जले मिश्रितं प्राणवायु नीना चूसति। इसलिए जल में मिश्रित जो प्राणवायु होती है उसको वह चूस लेती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको संस्कृत का ये पंचदशा पाठ मेनस्य वैशिष्ट्यम् अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस पाठ को बार बार पढ़ें और इसके अर्थ को समझें। तो वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।